आज यहाँ मेरे सीएम ऑफिस में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष और सारी विधायक आए, उनके क्षेत्र की समस्याओं को भी सामने रखा, प्रदेश के विषयों में भी उनसे मेरी बात हुई। हमने कहा कि सकारात्मक विपक्ष प्रदेश की उन्नति के लिए भी बेहतर काम करेगा। सरकार द्वारा जो किए जा रहे कामों के बारे में भी मैंने परस्पर चर्चा की है, खास करके जैसे हमने अपनी फसलों के सर्वे का पहले से ही आदेश दिया है जिला कलेक्टरों को कि अगर फसल खराब हुई है तो उसका सर्वे करें और उसका निराकरण करें। गौशालाओं की व्यवस्था अच्छी करने के लिए अनुदान बढ़ाने से लेकर के नगरीय क्षेत्र में, खासकर उज्जैन, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, बड़ी बड़ी नगर निगम अपने गौशाला बनाए ताकि आवारा पशु को वहाँ रखें, और गोधन को बढ़ावा देने के लिए बोनस दूध पे भी चालू करने के लिए, और दूध उत्पादन में मध्य प्रदेश देश का नंबर वन का राज्य बने। राज्य परिसीमन आयोग भी बनाया है जिसमें भविष्य में जिला, संभाग, तहसील, इनको हम अपनी सीमाओं में बदलने के लिए सभी प्रकार के सुझाव भी लेंगे, जिससे जिनसे कठिनाई आ रही है रहवासियों को, स्थानीय वासियों को, वो अपने ठीक से कर ले। विकास के मामले में भी सरकार के द्वारा किए गए कामों से अवगत कराया गया। सरकार जो कर सकती है वो जरूर काम करेगी। अपने अपने सभी विधायक, चाहे कांग्रेस के चाहे बीजेपी के, अपनी विधानसभा का विजन डॉक्यूमेंट्स बनाएं, 5 साल में वो अपनी विधानसभा में कहाँ ले जाना चाहते हैं, और उसमें हम समान रूप से सारे विधायकों की मदद करेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आज के दौर में जब मध्यप्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, तो हम अपने मध्यप्रदेश की आर्थिक व्यवस्था भी 5 साल में डबल करने वाले हैं। इस प्रकार से विकास के मामले में मध्यप्रदेश देश का नंबर वन राज्य बने, इस प्रयास में हम लगे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे हमारे अपने सारे जिन चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं वो अपनी अपनी चिंता करके आ रहे हैं, हमने सबने कोशिश की है कि मध्यप्रदेश को एक नए रूप में भी लाना है, और जहाँ तक अभी हम चले थे उससे और आगे डबल स्थिति पाना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में विकास के इसी क्रम को हम जारी रखेंगे। मेरी आज की चर्चा में एक सकारात्मक पक्ष ये रहा कि कांग्रेस के मित्र भी ये कह रहे कि हम बराबरी से सहयोग करेंगे विकास के मामले में, हमारे अपने मध्यप्रदेश के विकास में हम कदम से कदम मिलकर चलाना चाहते हैं। हमने भी कहा कि अच्छी बात है, मध्यप्रदेश की सरकार सदैव सभी इसे सकारात्मक सुझाव का स्वागत करती है, और हम सकारात्मक पक्ष को लेकर चलना भी चाहते हैं। हम अपने अपने दलों की सीमा में, अपने दलों के एजेंडे के आधार पर जहाँ जो बात रखना वो बात जरूर रखो, लेकिन विकास के मामले में सरकार सबको लेके साथ चलना चाहती है, ये हमारी नीति भी है और ये हमारा अपना यशस्वी प्रधानमंत्री का दिया गया मार्गदर्शन भी है।